ये है राजौरी गार्डन पुलिस की गिरफ्त में वह नौकरानी जिसने मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी के घर 2 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन एसएचओ अनिल कुमार शर्मा की टीम ने 12 घंटे के भीतर मामले को सुलझाते हुए रिटायर्ड डीजीपी की नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौकरानी प्रीति शिवाजी एनक्लेव में रहती है। इसने 20 अक्टूबर को रिटायर्ड डीजीपी कृष्णलाल राय के राजौरी गार्डन स्थित घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। रिटायर्ड डीजीपी की शिकायत पर राजौरी गार्डन थाना में मामला दर्ज किया गया और एसीपी सुदेश रंगा की देखरेख में 2 टीमें बनाई गई। एक टीम नौकरानी को पकड़ने के लिए शिवाजी एनक्लेव में खोजबीन शुरू करने लगी तो दूसरी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगी। सारी डिटेल्स इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने नौकरानी के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नौकरानी ने पुलिस को बताया कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसे लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ता था। उसे मौका मिला तो उसने अपने मालिक की अलमारी से 2 लाख रुपए चुरा लिए और 50,000 रुपए घर की मरम्मत में भी लगा दिए।